जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक ऑन माय ऑल अबाउट एक्चुअल साइंस डिस्कशन। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हमें कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लाइक यू कैन सी, ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो हम लोग को हायर करते हैं। लाइक इंडिया में जितनी भी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो सब हम लोग को हायर करती है। आप देख सकते हैं, लाइक रिलायंस इज देयर, HDFC अर्गो इज देयर, ICICI प्रूडेंशियल इज अ वेरी बिग रिक्रूटर। सो जितनी भी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो सब हम लोग को हायर करती है। अपार्ट फ्रॉम दी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस सेक्टर, यू कैन सी वी हैव जैसे री इंश्योरेंस। री, जब आप देखते हो ना वर्ड री, री मीन्स री इंश्योरेंस। जैसे मान लो री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैंने 100 करोड़ का इंश्योरेंस किया है कि अगर मान लो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए तो मेरे को 100 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, बट मेरा औकात नहीं है 100 करोड़ रुपये देने का, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी और एक री इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाऊंगा। मैं उसको बोलूंगा कि प्लीज मेरा रिस्क हल्का शेयर कर लो। लाइक वो क्या करेगा, 100 करोड़ में 25 करोड़ का मेरा रिस्क वो ले लेगा। तो दिस इज नोन एज री इंश्योरेंस कंपनी। आप कभी भी, आप जैसे आपने जैसे देखा है ना LIC के एड्स वगैरह आपने देखे होंगे, बट आपने कभी भी लाइक किसी री इंश्योरेंस कंपनी का एड नहीं देखा होगा, बिकॉज री इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कंज्यूमर्स के संग डील नहीं करता है। री इंश्योरेंस कंपनी डील्स विद इंश्योरेंस कंपनीज। लाइक आप देख सकते हैं ट्रेडिंग कंपनीज, बिकॉज ट्रेडिंग में यू नीड टू बी वेरी गुड विथ नंबर्स एंड वी आर वेरी गुड विथ नंबर्स। लाइक एक्सेला इज देयर, फ्यूचर्स फर्स्ट इज देयर, अगेन पेंशन कंपनीज लाइक एऑन, मर्सर, ये सब हमें हायर करती हैं। फाइनेंस कंपनीज लाइक PwC, गोल्डमैन, JP Morgan, DShaw, EY, जितने भी सारे बिग फोर फॉर्म्स, ये भी हमें हायर करती हैं फॉर कंसल्टेंसी, फॉर इंश्योरेंस। सो हाउ टू गेट अ गुड जॉब, आपको ये सारे चीज को फॉलो करना पड़ेंगे। लाइक आपको खाली पेपर्स क्लियर करना इज नॉट इनफ। आज के दिन पे खाली पढ़ना इज नॉट इनफ, आपको पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक आर प्रोग्रामिंग, एक्सेल, VBA, SQL, पाइथन फॉर फाइनेंस, ये सारे सॉफ्टवेयर का आप लोग को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इंटरव्यू तक आते आते ना जनरली वी टेंड टू फॉरगेट द कंटेंट दैट वी हैव स्टडीड मे बी लाइक फ्यू ईयर्स बैक, लाइक एक साल डेढ़ साल पहले पढ़ाया वो भूल जा रहे। यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग द कंटेंट स्टडीड एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन रियल लाइफ। दैट इज वॉट जब आपका प्रोग्रेस होगा, राइट। सो यू शुड पार्टिसिपेट इन कॉलेज बिजनेस फेस्ट। उससे क्या होता है, आपका को करिकुलर का जो स्किल्स होता है वो डेवलप होता है, एंड इट रियली 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 मैटर्स इन योर CV कि आपने क्या किया कॉलेज में पढ़ाई के अलावा, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो गुड परफॉर्मेंस इन कॉलेज एग्जाम्स, कॉलेज स्कोर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक बहुत सारे कंपनीज में लोग फिल्टर लगा देते हैं कि लाइक अगर आपका 65% नहीं है तो आपको लाइक यू कैन नॉट सिट फॉर द जॉब। सो कॉलेज मार्क्स इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बी इन टच विद योर इमीडिएट सीनियर। लाइक आज के दिन में मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो, रेफरेंस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। लाइक वी ऑब्वियसली विल हेल्प यू टू गेट गुड गुड कंपनीज में प्लेसमेंट, बट आपका खुद का भी रेफरेंस एंड सोर्स वगैरह काम आता है। लाइक अगर आप अपने कॉलेज के इमीडिएट सीनियर्स वगैरह से टच में रहते हो, सो दे जनरली गेट प्लेस्ड, तो दे विल रेफर योर CV इन द कंपनी। सो दिस इज अ वेरी गुड। एंड लिंक्डइन पे अपना एक अच्छा प्रोफाइल आप बनाओ, लाइक उसमें कीप ऑन एडिंग द कंटेंट, आप अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखो तो आपका रीच बढ़ता है, तो ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड लाइक कोई भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसका जो फर्स्ट चीज है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लोग आपको मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यू शुड बिफोर सिटिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, आप कुछ कुछ जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन की जो लिस्ट है जो हम लोग जनरली शेयर कर देते हैं, एंड आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए तब तक जब तक आप एक जॉब के लिए जा रहे हो। बिकॉज द फर्स्ट स्टेज में बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों ने कभी लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन किया ही नहीं है। लाइक जो आपके MBA लेवल के जो चीज़ होते हैं, लाइक जो बहुत जनरल एप्टीट्यूड होता है, तो वो क्या है, थोड़ा बहुत देख के जाने से यू गेट प्लेस्ड। सो हाउ टू बिकम एन एक्चुअरी, लाइक देखो आप अगर सारा पहला 10 पेपर, जैसे कि मैंने सब डिस्कस किया था, आप अगर पहला 10 पेपर क्लियर कर लेते हैं एंड आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, देन यू बिकम एसोसिएट मेंबर। एंड अगर आप सारे 13 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं, आपके पास 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, देन यू बिकम अ फेलो। ओके, सो दिस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विल बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।